गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में मैं आपको बताती हूँ कि हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि कोल कहाँ से आया है, पेट्रोलियम कहाँ से आया है, कोल एंड पेट्रोलियम की डेफिनेशन, उनके यूजेस, कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऑल द मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल द मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो कि नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे देखेंगे नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहला जो है वो है इन एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, इन एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें भी क्या होता है कि प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में, जबकि ये जो नेचर में होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। कौन से एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं ये। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, ये नेचर के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दे आर नॉटली लाइकली टू बी एक्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इनको ह्यूमन एक्टिविटी से कोई नहीं होता, लेकिन ये दे कहते हैं एक्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अगर ह्यूमन की कोई एक्टिविटी होती तो उससे वो एक्जिस्टेड हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकते। बिकॉज ये क्या है, हमारी नेचर हमको प्रोवाइड करती है एयर और सनलाइट। ये क्या है, जितना भी अनलिमिटेड स्टॉक में नेचर में और ह्यूमन एक्टिविटीज से, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि इन पे ये एक्जिस्टेड हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। लाइक हमने अगर कोल पेट्रोलियम इनका बहुत ज्यादा यूज किया तो ये खत्म हो जाएंगे, ये क्या लिमिटेड क्वांटिटी में। तो इनके बीच में हमने डिफरेंस देखा एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और हमने देखा इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में डिफरेंस देखा। ठीक है, इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर के अंदर, जबकि ये जो होते हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर के अंदर होते हैं। दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसमें अगर दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, दे आर नॉट लाइकली एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए एयर और सनलाइट, इसके देखिए कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फॉसिल फ्यूल, फ्यूल दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फ्यूल दैट वर फॉर्म्ड, फ्यूल जो कि फॉर्म होता है फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ हो जाती है तो जो उनका डेड पार्ट होता है, जो रिमेन रह जाता है, उनसे ही जो फ्यूल होता है फॉर्म होता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आर नोन एज अ फॉसिल फ्यूल। इसको ही क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल क्या होता है, फॉसिल होता है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड होते हैं, मतलब उनके जो डेड पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फॉसिल बोला जाता है। उनसे जो फ्यूल बनता है वो होता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल के बारे में कि कोल क्या होता है, इसके क्या यूजेज होते हैं। तो कोल क्या है, इट इज अ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। एक तो ये कलर में ब्लैक होता है, हार्ड होता है स्टोन की तरह। Used in cooking thermal power plants to produce electricity, cooking में इसका यूज होता है, thermal power plant में इसका यूज होता है, क्योंकि इससे electricity produce की जाती है। Used as a fuel in various industries, इसको fuel की तरह use किया जाता है काफी सारी industries में। इसको किसकी तरह use किया जाता है, इसको fuel की तरह use किया जाता है काफी सारी industries में। ठीक है, About 30 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas, formation of coir. Coir का formation कैसे होता है?
ago, 300 million years ago, the earth had dense forests. अर्थ जो होती है उसके पास क्या होता है, डेंस फॉरेस्टेस होता है, उसके पास क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, ठीक है. इन लो लाइन वेंडेड एरिया, ठीक है. ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस दीज फॉरेस्टेस बर्न अंडर सॉइल, ये क्या होता है, इसके नीचे दब जाते हैं, ये सॉइल के नीचे दब जाते हैं. ये जो नेचुरल प्रोसेस थे, जो ये होता है ना वेटलैंड एरियाज के जो फॉरेस्ट के पेड़ वगैरह होते हैं और कुछ ऐसे छोटे मोटे जानवर होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, वो अंडर सॉइल चले जाते हैं. More soil deposited and they were compressed. और फिर क्या होता है, उसके अंदर compression होता है. फिर क्या होता है, जब temperature rose as they sank super and super. फिर क्या होता है, temperature जब rise होता है तो वो sank हो जाते हैं. Under high pressure and temperature, dead plants slowly converted into the coal. फिर क्या होता है, under high pressure temperature के चक्कर में क्या होता है, उनके अंदर जो dead plant होता है वो slowly convert हो जाते हैं किसमें, coal में. वो किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. आगे देखेंगे, कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन क्या होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है. ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की. The slow process of conversion of dead vegetation into the coal is called carbonization. When heated in air, coal burns and CO2 is produced. जैसे हीट जो होती है एयर में, तो जैसे हीट चलती है तो क्या होता है कि एयर के अंदर कोल जो होता है बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होने लगती है. अब हम तीन चीजों के बारे में देखने जा रहे हैं, कोल टार एंड कोल गैस. तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कोल, वो क्या होता है, It is a tough porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel and extraction of many metals. It is tough porous and black substance होता है. क्या होता है, tough होता है and porous and black substance होता है, ठीक है. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये क्या होता है, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है. कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. कोक जो होती है वो क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसकी, स्टील की, ठीक है. कोक किसकी होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. और एक्सट्रैक्शन होता है, बहुत सारी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है. तो कोक के पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट. कोल टार, कोक जो होता है उसमें क्या होता है, और इसे तो मेटल बनने का एक्सट्रैक्शन होता है, बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. कोल टार, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल के साथ होता है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सबस्टेंसेज. ये क्या होता है, मिक्सचर होता है 200 सबस्टेंसेज का, ठीक है. याद रखनी पॉइंट, जब भी एग्जाम में पूछा जाए कोल टार के बारे में तो हमें ये दोनों के दोनों पॉइंट लिखने हैं वहां पर, ठीक है. आगे की डिटेल देखेंगे. प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार, प्रोडक्ट जो है कोल टार से ऑब्टेन किए जाते हैं, इनका यूज किया जाता है स्टार्टिंग मैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस होते हैं एवरीडे लाइफ में यूज होने वाले, उन सब प्रोडक्ट्स में कोल टार को यूज किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मैट, ठीक है. आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे आगे हम कोल गैस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, जो प्रोडक्ट कोल टार से ऑब्टेन होते हैं उनको यूज किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री, ठीक है. Synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastic, paints, photographic material, roofing material, bitumen, ये petroleum product is used in place of coal tar. इनका use किया जाता है coal tar के place में for metalling of roads. Roads की metalling करने में इन सब का use किया जाता है, ठीक है. आगे देखेंगे